हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वीडियोज लेकर आता हूँ MIUI थीम्स के ऊपर। कभी MIUI 13 कंट्रोल सेंटर सपोर्टेड थीम्स से लेकर आता हूँ, तो कभी ब्यूटीफुल थीम्स लेकर आता हूँ, तो कभी डायनेमिक वॉलपेपर्स के साथ MIUI थीम्स लेकर आता हूँ। बट कमेंट सेक्शन में हमारे कुछ व्यूअर्स ने डिमांड किया था डार्क थीम्स का, तो आई मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 3 MIUI डार्क थीम्स, जिनमें डार्क मोड बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। डार्क मोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट थीम कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन आइकॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो आइकॉन्स जो है कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो क्लॉक विजेट है उसमें टाइम के साथ साथ वेदर और म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिलता है। देन कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर MIUI 13 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो क्विक टॉगल्स हैं वो स्क्वेरी सेम में देखने को मिलते हैं। देन अगर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग्स के अंदर भी एक डार्क बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पर स्टेटस बार में नेटवर्क का आइकॉन और जो बैटरी का आइकॉन होता है वो भी चेंज हुआ है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात है। देन अगर हम बात करें लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन में भी सेम वॉलपेपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जो विजेट है यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, तो लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है फर्स्ट थीम में। तो थीम का नाम है UIEUIG V13 by Designer। तो आप इसे थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। इसकी साइज है 38.5 MB। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड थीम जो कि कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डार्क वॉलपेपर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आइकॉन्स है काफ़ी स्मॉल देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी मिनिमल लुक प्रोवाइड करते हैं इस थीम को। और यहाँ पर जो क्लॉक विजेट है वो भी काफ़ी मिनिमल देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर जो स्टेटस बार में आइकॉन्स हैं वो भी कलरफुल देखने को मिल जाते हैं। देन कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हुआ है, बट यहाँ पर क्विक टॉगल्स चेंज नहीं हुए हैं। MIUI 13 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। देन अगर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी बैकग्राउंड चेंज हुआ है। यहाँ पर भी एक डार्क बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन अगर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक डिफरेंट वॉलपेपर देखने को मिलता है। और जो क्लॉक विजेट है वो भी यहाँ पर मिनिमल देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर अगर हम लॉक स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करते हैं, तो यहाँ पर एक क्रैक इफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो डॉट है लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर मेनू ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दो वॉलपेपर्स दी गई है। देन यहाँ पर क्लिक इफेक्ट को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चार्जिंग इफेक्ट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो इस सेकंड थीम का नाम है डार्क ISM by Designer MyLab। आप इसे थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी चाहिए 22.5 MB। बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है। नेक्स्ट थीम पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यूट्यूब पर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है MIUI थीम्स के ऊपर, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग रील्स अपलोड करता हूँ ट्रिक्स, एंड्रॉयड एप्स और गैजेट्स के ऊपर, तो वहाँ पर भी आप फॉलो करके सपोर्ट करें। थर्ड थीम है हमारे लिस्ट में क्रिएटिव मॉन्स्टर बाय डिजाइनर DCT, और इसकी साइज है 26.8 MB। होम स्क्रीन की बात करें तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ कार्टून कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो डूडल स्टाइल में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। क्लॉक विजेट की बात करें तो यहाँ पर एक मिनिमल क्लॉक विजेट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं वो कार्टूनिश आइकॉन देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पर स्टेटस बार में बैटरी का आइकॉन चेंज हुआ है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर बैकग्राउंड तो चेंज हुआ है, बट MIUI 13 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। देन अगर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं वो भी चेंज हुए हैं। देन अगर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पर एक एनिमेटेड वॉलपेपर देखने को मिलता है। सेम वॉलपेपर है बट यहाँ पर एनिमेटेड है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है।
और यहाँ पर जो क्लॉक वेट है वो सिंपल सा देखने को मिलता है और बॉटम साइड में यहाँ पर दो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है हमारा लास्ट थीम। तो फ्रेंड्स ये थे 3 डार्क MIUI थीम जिन्हें आप किसी भी पोको Xiaomi या फिर Redmi डिवाइस में यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और चलो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।